फर्जी पुलिस अफसर गिरफ्तार, बकायदा जनपद में कर रहा था ड्यूटी, पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स फर्जी दरोगा बन इलाके के लोगों पर धौंस जमाता था। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था। इन सब से परेशान होकर महिला ने अपने पति की पोल खोल दी। अब पुलिस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट गई है। मामला रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यहाँ वीर सिंह नाम के शख्स का रिश्तेदार गैर जनपद में पुलिस की नौकरी करता है। वीर सिंह अपने रिश्तेदार की वर्दी पहन दरोगा बन आसपास के लोगों पर धौंस जमाता था। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी अनुपम भारती के साथ भी मारपीट करता था। पत्नी ने परेशान होकर पुलिस से अपने पति की शिकायत की। फर्जी दरोगा होने की जानकारी सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वीर सिंह की पत्नी ने बताया कि 2014 में उसकी शादी हुई थी। एक साल के बाद ही पति ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी सास ननंद देवर भी उसके साथ मारपीट करते हैं। महिला ने बताया कि उसके घर में एक पुलिस की वर्दी थी, इसे पहनकर धौंस जमाना शुरू कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति वीर सिंह स्कूल में पढ़ाता था, यहाँ एक स्टूडेंट थी, उसे ही मेरे पति अपने साथ घुमाते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, उन्होंने मुझसे तलाक मांगा है। वीर सिंह ने पत्नी से कहा, मेरे पास सरकारी नौकरी है, मैं चाहे जितनी शादी करूं। इतना ही नहीं, अनुपमा ने आरोप लगाया है कि वे विनीता नाम की लड़की के साथ दो दो दिन के लिए घूमने भी जाते हैं। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया, महिला की शिकायत पर जाँच की गई। प्रारंभिक जाँच में ये आरोप सही पाए गए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, जिस शख्स की वर्दी पहनकर वीर सिंह घूमता है, उसके खिलाफ संबंधित जिले में कार्रवाई की मांग की गई है।